किसी भी काम में कम नहीं है, ये बात आपने सुना होगा। चाहे हम कहें पायलट की बात करें, डॉक्टर की बात करें, वकील की बात करें, लेकिन अगर हम निम्न स्तर की बात करें तो वो भी महिला एक हैं जो भीख मांग से ज़्यादा अच्छा समझती हैं जूते काटना। जी हाँ, आप देख रहे हैं साफ तौर से मैं इस टाइम महाराष्ट्र के जो है नासिक, और नासिक का भी इगतपुरी है रेलवे स्टेशन, उसके बाहर हैं। अनिता जी मेरे साथ हैं। अनिता जी, ये काम आप कब से कर रहे हैं? उसके बैठ जाओ उसके ऊपर। आप कब से करते आ रहे हैं काम? 10-15 साल हो गया। सारे तरह के जूते आप बनाते हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सही करते हैं? वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जहाँ पुरुष जो है वो इस काम को करते हैं, आप महिला हैं उसके बाद काम कर रहे हैं, भाई किसी ने रोका नहीं, कोई रोक नहीं आपको, या लोग कुछ कहते नहीं आपको? नहीं, कोई कोई बोलते हैं, हमारे गाँव में नहीं करते, कोई कोई गाँव में करते कमाते हैं उससे क्या करते हैं? बच्चों को अपने बच्चे लोग की पढ़ाई कराते, घर में घर चलाते, शिक्षण वगैरह, घर में जो अड़चन है वो पूरा करते। पति क्या करते हैं आपके? पति गुजर गए। अच्छा, पति गुजर गए हैं, उनकी जगह अपने बच्चों का भरण पोषण आप कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, बच्चे लोग पढ़ते हैं, कोई काम करते। अच्छा, बच्चों को यानी कि जो मेहनत से कमाते हैं आप? कितने बच्चे हैं आपके? तीन लड़के लड़की। तो पढ़ाई सारे पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं? कोई पढ़ाई करता, कोई काम करता। काम करता, जो आप कमा के लेके जाते हैं ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई में खर्च करते हैं? पढ़ाई में, घर में खाने पीने। महीने भर पे कितना कमा लेते हैं? तो उसका कितना कमा लेते हैं? 100-200-500 कमा लेते हैं मेहनत से, यानी कि सुबह कितने बजे आप ही अपना टीका खोल लेते हैं? 9 बजे आते हैं, 8 बजे चले जाते हैं। 11 घंटे की लगभग ये ड्यूटी है जो अनिता जी यहाँ करती हैं, और इनका ये मानना है कि जो मेहनत है वो सबसे ज़्यादा सुकून देती है, और उसी के वजह से ही अपने बच्चों को भी पढ़ाई करा रही हैं। जी हाँ, महिलाएं भी किसी काम में पीछे नहीं है, ये बात साफ तौर से अनिता जी ने साबित भी कर दिया है। आप देखेंगे इनकी बहादुरी, इनकी मेहनत और लगन से किस तरह ये बच्चों को अच्छे रास्ते पर लेके जा रही हैं। और आप भी अगर कुछ सीख लेते हैं तो आपको भी भीख मांगने से अच्छा है मेहनत मजदूरी करना। आ निशाना, समाचार वार्ता, नासिक, इगतपुरी।